वेलकम स्टूडेंट, क्लास सिक्स, एक्सरसाइज 3.4। लेट स्टार्ट। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ, पहले मैं बात कर लेता हूँ विच इज द फैक्टर एंड मल्टीपल। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ चैप्टर को, फिर इसके बाद आगे बढ़ता हूँ। फैक्टर, फैक्टर मीन्स द नंबर दैट इज डिविजिबल बाई विच नंबर, जिससे वो कटता ना। जैसे मैं कहूँ कि 10 का फैक्टर निकाल लीजिए, या मैं कहूँ 18 का फैक्टर। चलिए 18 का फैक्टर का मतलब होता है ये किस किस से कटता है। 1 से कटेगा, 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ठीक है, तो 1 से कटने वाला है। फिर ये देखिए 2 से कटेगा भी, ठीक है, इसके बाद 3 से भी कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, इसके बाद 7 से नहीं कटेगा, 8, इसके बाद 9 से कटेगा, 9 के बाद सीधे सीधे 18 से कट जाएगा, ठीक है। तो ये जिस जिस नंबर से कट रहा है उसे हम कहते हैं कि क्या है, ये फैक्टर है, ठीक है। फैक्टर का बहुत सिंपल सा फार्मूला है कि जिस जिस से नंबर से कटता है दैट इज़ फैक्टर, ठीक है। अब इस फैक्टर में जब दो नंबर होते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने एक 12 भी लिख दिया, ठीक है, अब 12 को अभी हमने फैक्टर सारा लिख लिया, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, और किससे कट रहा है, 4 से भी कटेगा, और किससे कट रहा है, 6 से कटेगा, और डायरेक्ट क्या करेगा, 12 से कटेगा, ठीक है। तो अब ये इसके नंबर, ये इसके अलग फैक्टर हो गए, ठीक है। तो हमने जब फैक्टर की बात करेंगे तो हमें सिर्फ जिस जिस नंबर से कटता है उन सारे नंबर को हमें क्या कर देना है, लिख देना है ना। तो उन सारे नंबर को हमें लिख देना है जब फैक्टर की बात करेंगे, सब जिस चीज़ से वो कटता हो। लेकिन लेकिन अगर ये कहता है कि इसके कॉमन फैक्टर निकालिए, तो हमें लिखेंगे कॉमन फैक्टर इक्वल टू, ठीक है, इस जस्ट इसी के नीचे लिखेंगे यहाँ से कि कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ मान लो कि मैं लिख रहा हूँ कि कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू, तब इसमें कौन कौन कॉमन हो जाएगा, पहले लिखोगे 1, ठीक है, ऐसे लिखोगे 1, इसके बाद फिर लिखोगे कॉमन फैक्टर कौन है, 2, फिर इसके बाद कहोगे कौन कॉमन फैक्टर है, 3, इसके बाद कौन कॉमन है, 4, देखिए दोनों में मैचिंग नहीं कर रहा है, लेकिन कौन मिल रहा है, 6 मिल रहा है, कहेंगे ये 6, ये हमारे कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो सबसे पहले फैक्टर हमने निकाला, फिर मैंने देखा कि जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में मैचिंग करता हो, उसको मैंने किया, ये कॉमन फैक्टर हो गया। कितने कॉमन फैक्टर हैं, 4 कॉमन फैक्टर हैं। अब जब बात आती है एच सी एफ की, बताइए इसका एच सी एफ क्या होगा, तो एच सी एफ इज इक्वल टू होगा, ये थोड़ा सा कलर दिखाई नहीं दे रहा, ब्लैक ले लूँ, तो एच सी एफ इज इक्वल टू, चलिए रेड रेड नहीं, ये ले लेता हूँ, एच सी एफ इक्वल टू। अब देखिए जो सबसे बड़ा नंबर इसमें, इस कॉमन फैक्टर में जो सबसे बड़ा है, कौन बड़ा है, 6 है, तो 6 इसका हो जाएगा एच सी एफ, ठीक है। देखो मैं इसे लिख भी रहा हूँ, तो इसको मैं बोलते भी रहा हूँ ना एक साथ, तो फिर वो कॉपी में अपना लिखते जाओगे। तो कॉमन फैक्टर की बात करोगे, जिससे जिससे कटेगा वो लिखना है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड में कहेगा कॉमन फैक्टर कौन कौन है, इन दोनों में देख लेंगे कौन कॉमन है, दोनों का फैक्टर अलग अलग लिखने के बाद कॉमन मैचिंग कर लेंगे। इसके बाद अगर ये बात होती है कि इसमें हमारा एच सी एफ क्या है, तो एच सी एफ हमारा वही होगा जो कि सबसे बड़ा होगा उसमें से, ठीक है, ये बात हो गई। अब इसके थोड़ा सा आगे मैं चलता हूँ, ये मैं बात करूँगा थोड़ा सा एल सी एम वाले पार्ट में, मल्टीपल वाले पार्ट में, ठीक है। सेम इसी बेस क्वेश्चन पर आता है, मल्टीपल क्या है, सबसे पहला क्या है, मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल, मल्टीपल कौन सा है, जैसे मुझे किसी का मल्टीपल निकालना है, मान लीजिए हमने 4 का मल्टीपल निकालना है, या मुझे 6 का निकालना है, तो 6 का मल्टीपल मीन्स टेबल, क्या लिखोगे, 6 × 6, 6 × 12, 12 के बाद जैसे 18, फिर आएगा 24, ऐसे करके ये नंबर बढ़ता जाएगा, ठीक है। अगर एक नंबर हमारा मान लीजिए कि 8 आ गया, ठीक है, कौन आ गया, 8 आ गया, 8 नहीं, चलिए अच्छा ठीक है, 8 आ गया, 6 ले लेता हूँ ना, नहीं 6 तो ऑलरेडी है, 8 लिख लेता हूँ, ठीक है, 8 का, तो 8 का अभी मल्टीपल लिखूँगा, कहूँगा 8 × 1 = 8, ठीक है, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, फिर 8 × 4 =, फिर ऐसे करके ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये हमें जब कभी मल्टीपल क्वेश्चन, जैसे हमने कहा फैक्टर के वैसे मल्टीपल ही,
जब बात आती है सिर्फ मल्टीपल की तो हम मल्टीपल इसका टेबल लिख देते हैं, जहाँ तक वो कहेगा, 60 तक कहेगा, 60 तक, 70 तक कहे, 90, 100, जहाँ तक कह दे। 8 का मल्टीपल पूछेगा, हम 8 का मल्टीपल पूरा लिख देंगे, ठीक है। अब ये तो हो गई मल्टीपल। देखो इसमें होता है LCM, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब थोड़ा सा बात करते हैं। अच्छा देखिए, 8 मल्टीपल लिख दिया। अब अगर इसमें पूछा जाए कि बताइए इसमें कॉमन कौन है, कॉमन, तो देखिए सबसे पहला नंबर ये है 24, ये जो कि कॉमन है, दोनों में फर्स्ट नंबर 24 है। अगला अगर ऐसे लिखते जाओगे, नहीं तो अपने कापी में लिख लेना, दोनों मल्टीपल लिख लेना, तो 24 के बाद अगला 48 मिलेगा, ठीक है। अगला ऐसे ऐसे करते बढ़ाते जाओगे तो इनफाइनाइट नंबर आप मल्टीपल मिलते जाएंगे जो कॉमन भी होंगे ना, लेकिन ऐसा फैक्टर में नहीं होता। फैक्टर में सब कुछ लिमिटेड होता है, मल्टीपल में अनलिमिटेड होता है, ठीक है। मल्टीपल में देखो इसका नाम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसका आंसर बड़ा आता है इन सारे नंबरों में से, ये 6 और 8 से बड़ा ही होगा जो आंसर, छोड़िए उसकी बात नहीं। तो हमें मल्टीपल लिखना होगा तो ये लिखेंगे, मल्टीपल लिखना होगा ये लिखेंगे, कॉमन कहेगा तो दोनों में छांट लेंगे कौन कौन सा कॉमन है, ठीक है। अब इसमें ये कहेगा कि बताइए LCM क्या होगा, लीस्ट कॉमन, तो कहेंगे जो सबसे पहले मिल जाए, जो सबसे छोटा हो, ये लीस्ट नंबर है, तो इसका LCM कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। ये एक्सरसाइज एक्सप्लेन हो गया। अब थोड़ा सा मैं क्वेश्चन पर आता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन पर, क्वेश्चन लिखा है कि फाइंड ए कॉमन फैक्टर, है ना। अब कॉमन फैक्टर अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, इसको कर लोगे, ठीक है। पहले क्या करोगे, 40 किस किस नंबर से कटता है वो लिख देना है, फिर 48 किस किस नंबर से वो लिख देना है, इसके बाद जो जो मैचिंग करता है उन दोनों को क्या करना है, मिला लेना है ना, फिर उसके साथ नीचे कॉमन लिख देना है। एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ, चाहो वीडियो को रिवाइज कर सकते हो ना, फिर इसके बाद सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ कि 2 वाला, ठीक है। 2 नो फाइंड द कॉमन फैक्टर, अब इसमें भी इसी ठीक है, वैसे ही कॉमन फैक्टर इसमें भी है ना। अब इसमें 2 की जगह 3 नंबर है ना। अब जैसे कि मान लीजिए ये वाला नंबर, चलिए छोड़िए मैं बी वाला कर दूँ, तो बी में नंबर कौन कौन सा है, 8 का, तो 8 पहले लिखोगे कि किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर 24 का फैक्टर लिखोगे, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा वहाँ लगा है, 6 से कटेगा, 7, 8, 8 से कटेगा, इसके बाद फिर 12 से कटेगा, और फिर 12 के बाद 24 से कटेगा, ठीक है। अब देखिए अगला, अभी कौन सा है, 40 है ना, 40 लिख लो, 40, देखो यहाँ पर चल नहीं रहा है, यहाँ पर मुझे 40 ही लिखना है, 40 लिख रहा हूँ। अब इस 40 में कौन कौन है, 1 है, फिर 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटता है, 4 से कटता है, 5 से कटता है, 5 के बाद 8 से कटता है, 8 के बाद 10 से कटता है, 10 के बाद 20 से कटता है, और 20 के बाद सीधे सीधे 40 से कटेगा। अब देखो इसमें कॉमन कौन कौन है, तो ये 1 तो सब में कॉमन मिलेगा, इसको कॉपी में लिखना है ना, इसको कॉपी में लिखोगे, वैसे बोल रहा हूँ मैं, उसको तुम पहले लिख लोगे, वीडियो को चाहो तो थोड़ा सा स्पीड धीमा कर सकते हो ना, वीडियो को धीमा करके, नहीं समझ में आता कि वीडियो स्पीड की धीमी होती कैसे है, तो किसी से पूछ लेना कि वीडियो को धीमा कैसे करते हैं, स्पीड को मेंटेन करते हैं ना, वहाँ पर 3 डॉट होता है ऊपर, वहीं से मेंटेन कर लोगे, थोड़ा सा स्पीड कम कर लोगे तो, या फिर रिवाइज कर लोगे, सबसे अच्छा है कि रिवाइज कर लो ना, नीचे होता है थोड़ा सा पीछे कर लोगे रिवाइज हो जाएगा। अब कॉमन में हमने क्या करेंगे, कॉमन के लिए कॉमन फैक्टर लिखेंगे, कॉमन फैक्टर ये नीचे लिखेंगे, फिर इसके बाद 1 मिला देंगे, 1 के बाद देखो कौन है, ये है 2, 2 सब में है, फिर 2 लिख दोगे, क्या 3 सब में है, नहीं, 4 सब में है, नहीं, हाँ 4 सब में है, इसमें भी है 4, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है, ये 4 हो गया सब में, तो 1 और 2 और 4 मिला, क्या 4 के बाद और कोई नंबर है, हाँ 8 है, 8 भी सब में है, तो 8 भी लिख लोगे। देखो ऐसा नहीं है कि 2 में मैचिंग कर रहा हो, तीसरे में नहीं मैच कर रहा हो तभी सर्कल कर देंगे, ऐसा नहीं है, इस बात को खूब अच्छे तरीके से नोट कर लो, जो तीनों में मैचिंग करता हो, जो तीनों मैचिंग करेगा तभी उसका कॉमन फैक्टर कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहला सकता है। इसके बाद अब कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, ये 1 मिला था, यहाँ पर 2 मिला था, यहाँ पर 4 मिला था और 8 मिला, इसके बाद कोई भी फैक्टर नहीं मिलेगा, ठीक है कॉमन। चलिए ये हो गया हमारा, अब आगे बढ़ता हूँ 3 नंबर में कि फाइंड द फर्स्ट 4 कॉमन मल्टीपल। देखिए इसीलिए कहता है, देखिए मल्टीपल तो इनफाइनाइट तक जाता है, इस बात जानते हो, इसीलिए वो कह दिया है कि फर्स्ट 4 मल्टीपल केवल फाइंड करिए, इनफाइनाइट तक जाएगा ना, तो इनफाइनाइट तो कितना फाइंड करोगे, नहीं कर पाओगे।
फिर देख लो, ये दिया है कि फर्स्ट फोर का मैंने मल्टीपल, तो थ्री का टेबल लिख दो पहले, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स नाइन, नाइन के बाद ट्वेल्व, ऐसे फिफ्टीन, फिफ्टीन के बाद सिक्सटीन, नहीं एटीन, एटीन बार बढ़ाते जाओगे ऐसे। इसके बाद फोर का है, फोर का है पहले लिखेंगे वन, फिर नहीं सॉरी फोर, फोर टू जा एट, एट फिर के बाद ट्वेल्व, ट्वेल्व के बाद सिक्सटीन, सिक्सटीन के बाद ट्वेंटी, अभी ढेर सारा नंबर मिलता है। अब इसमें कॉमन मल्टीपल फोर ही लिखना है, तो फर्स्ट लिखोगे फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, इसको तुम्हें वर्ड में लिखना है, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल इज इक्वल टू, कौन कौन मिल रहा है देख लो, मैचिंग करा लो। तो पहले हमें मल्टीपल मिला 12, ठीक है, तो हमारा आंसर पहला क्या हो जाएगा, 12 पहला कॉमन मल्टीपल है ना। फिर इसके बाद 12 के बाद अगला तुम सीधे सीधे समझ लो कि अगला 24 मैचिंग करेगा, ठीक है, फिर इसके बाद 12 थ्री जा 36 मैच करेगा, फिर अगला अगर टेबल तुम बढ़ाते जाओगे तो अगला 12 फोर जा 48 मिलेगा, ठीक है, ये मिलता जाएगा अगर तुम आगे बढ़ा के लिखते जाओगे तब, ठीक है। तो फर्स्ट फोर कॉमन मल्टीपल लिखना है, इनफाइनाइट तक लिखने की कोशिश नहीं करना है ना, जब देख लेना कि फोर से कम हो रहा है तो थोड़ा सा मल्टीपल और आगे बढ़ा लेना है ना। जैसे मैंने कि यहाँ पर 18 तक लिखा था, इसको मैंने 20 तक लिखा था, अब मुझे ज़रूरत पड़ रही है लेकिन स्क्रीन पर जगह नहीं, इसलिए मैं उस कॉपी में कर लोगे है ना, कोई दिक्कत होगा तो उसको डाउट क्लियर कर लोगे, बाद में भी क्लियर कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर, राइट नंबर लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ फोर एंड फाइव, वही काम सेम करना है, फोर और फाइव का काम करना है, फोर और फाइव का पहले मल्टीपल लिखोगे लेकिन वो सारे मल्टीपल 100 के नीचे तक होना चाहिए, जैसे फोर, फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, फिर ऐसे ऐसे करके 100 के पहले तक लिखना है, 100 के पहले तक लिखोगे, फिर फाइव का भी टेबल ऐसे करना है, फाइव का टेबल भी ऐसे फाइव, फाइव टेन, फिर फिफ्टीन, ट्वेंटी, ऐसे 100 तक लिखना है ना। तो 100 से पहले तक जितने भी नंबर मैच करते हैं ना, उन सारे मल्टीपल्स को तुम्हें क्या करना होगा, उसको सर्कल करना होगा, बताओगे कि कौन कौन कॉमन मल्टीपल है। जैसे मैं बता दे रहा हूँ कि अगला जो मिलेगा 20 मिलेगा, सबसे पहले 20 मिलेगा, फिर 20 के बाद 40 मिलेगा, 40 के बाद 60 मिलेगा, 60 के बाद 80 मिलेगा, 80 के बाद सीधे सीधे 100 मिलेगा ना। तो अब लेस देन 100 कहा है तो 100 को छोड़ भी सकते हो, 100 को मत लिखना है ना, क्योंकि लेस देन 100 कहा है तो 100 को आंसर में नहीं मिलाओगे, क्वेश्चन के अनुसार आंसर में भले ही दिया हो 100 है ना, लेकिन लेस देन 100 दिया है तो 100 को नहीं मिलाना, 100 के पहले 100 आंसर में नहीं होना चाहिए। अब आंसर में दिया हो 100 तो नहीं कहना कि फिर 100 में ले लिया गया है कि 100 भी आंसर होगा, नहीं, क्वेश्चन में लेस देन कहा है तो हमें कम करना है, अधिक नहीं कर सकता, इक्वल भी नहीं कर सकता हूँ, ठीक। फाइव नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम, अब बताइए को प्राइम क्या होता है, बड़ी प्रॉब्लम है, कोई को प्राइम होती क्या है। अब को प्राइम का मतलब होता है कि उन सारे नंबर का पहले फैक्टर लिख लिया जाए है ना, जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया, ये है 24 है ना, 24 का सारे पहले इसके फैक्टर लिख लो, वन से कटेगा ये सारे, जिसे जिसे कटता हो सारा नंबर लिख लोगे है ना। इसके बाद 24 में भी क्या करोगे, सारे नंबर वन से कटेगा, 29 इज आल्सो ए प्राइम नंबर है ना, तो 29 अभी एक प्राइम नंबर है, तो ये वन और 29 के अलावा किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें सिर्फ एक ही कॉमन आपको मिलेगा वन, अगर वन के अलावा भी अगर कोई भी कॉमन तुम्हें मिल जाए तो समझ लीजिए कि को प्राइम नहीं है। वीडियो को रिवाइज करके फिर से सुन लेना इस बात को क्या मैंने बोला, तो वन के अलावा कोई भी कॉमन है को प्राइम, को प्राइम हैज वनली वन कॉमन फैक्टर दैट इज वन, वनली वन, ठीक है, या कह सकते हो देयर इज द फैक्टर, द कॉमन फैक्टर दैट हैज नो एनी कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट देन वन, ऐसा भी कह सकते हो, ठीक है, कॉमन फैक्टर जो वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलता हो उसे कहोगे क्या है, वो कोप्राइम है, ठीक है। अब उसका फैक्टर लिख करेंगे, बस मैच करा लेना, वन के अलावा कुछ मिलता है तो समझ लीजिए कि नहीं है, है ना। जैसे 14 है, अब जैसे मान लीजिए बी वाला नंबर है ना, दिखाई दे रहा है ना बी वाला, तो एक मिनट, बी नंबर है, तो बी नंबर में जैसे देखो 14 और 12 दिया है, तो 14 का लिखोगे पहले वन से कटेगा, टू से कटेगा, फिर कहोगे कि चलिए सेवन से कटेगा, 14 से कटेगा, ओके। इसके बाद कहोगे 52, 52 कहेंगे वन से कटेगा, टू से कटेगा, और भी सारे नंबर से कट रहा है। तो अब देख लीजिए वन भी कॉमन मिला और टू भी कॉमन मिला,
क्या को प्राइम का ये कंडीशन है? नहीं है ना, इसमें तो प्राइम कंडीशन यही है ना कि वन के और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। देयर वनली देयर विल बी वनली वन कॉमन फैक्टर वन, यही होना चाहिए, दैट एंड अदर अदर विल नॉट बी अलाउड। अभी बात हो गई फाइव नंबर तक। सिक्स में देखिए कहाँ दिया हुआ है, सिक्स में ये लिखा है यहाँ पर, सिक्स में थोड़ा समय करो कि आई एम ए कॉमन मल्टीपल ऑफ थ्री फाइव एंड सिक्स, आई एम लेस देन 60, ठीक है। ये 60 देने की कोई ज़रूरत नहीं थी ना, आई एम लेस देन 60, तो विच नंबर आई एम, मैं कौन सा नंबर हूँ, तो क्या करना है, थ्री का मल्टीपल तुमको लिखना है कहाँ तक, 60 तक, समझ गए। फिर क्या करना है, फाइव का मल्टीपल कहाँ तक लिखना है, 60 तक, 60 के पहले तक, ऊपर नहीं लिखना। इसके बाद कौन बचा, सिक्स, सिक्स का मल्टीपल कहाँ तक लिखना है, ये सिक्स है याद रखना है, यहाँ मेरा चलता नहीं है ठीक से, स्क्रीन पर लिखने में बड़ी दिक्कत होती है, ये सब कहाँ तक जाना है, 60 तक। क्या इसमें कॉमन मल्टीपल ऑफ आई एम लेस देन 60, तो उसमें जो कॉमन तुमको मिल जाए वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो थ्री में, फाइव में और सिक्स में जो भी कॉमन मिल जाए, मैं बता रहा हूँ कि इसमें जो कॉमन मिलेगा आपको वो मिलेगा 30 मिलेगा। मैं जानता हूँ कहीं कहना कि आपको कैसे आ रहा है, तो जब करोगे तो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, तुमको भी वैसे ही आ जाएगा, है ना। तो 60 आएगा, 30 आएगा, 60 नहीं हो सकता, 60 आंसर नहीं लिखना है, ठीक है। 60 भी कॉमन मल्टीपल होगा क्योंकि सभी की टेबल में 60 भी आता है, 30 आएगा तो 32 या 60, इसके बाद 99 सो आंसर कॉमन मिलता जाएगा, फिर 30 भी द आंसर आप जो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी, एक मिनट, राइट एनी फाइव पेयर ऑफ को प्राइम, ऐसे ऐसे करके फाइव एग्जाम्पल लिखना, लिख लोगे कोई दिक्कत नहीं है। नाइन, जैसे कि ये हो गया हमारा, देखिए नाइन भी हो गया, 16 भी हो गया, ये नहीं है कि नाइन किसी से कट रहा है 16 को, नहीं, नाइन का सारे फैक्टर लिख लो और 16 का सारे फैक्टर लिख लो, ठीक। लिखने के बाद तुमको वन के अलावा कोई भी कॉमन नहीं मिलेगा, अगर मिल जाए ना तो समझ लीजिए को प्राइम नहीं है। तो मैं जानता हूँ कि इसमें वन होगा और इसमें थ्री होगा और नाइन होगा, ठीक है, ये चलता नहीं है ठीक से, और इसका होगा वन होगा, टू होगा, फोर होगा और एट होगा और 16 होगा। दिखाओ मुझे कहीं पर दोनों में कॉमन नंबर नहीं है, वन के अलावा कहीं नहीं है ना, दैट इज कॉमन, क्या है ये, को प्राइम, ठीक है। ऐसे ऐसे करके फाइव पेयर आपको बना लेना है ना। कुछ नहीं समझ में आया तो दो ठो प्राइम लिख देना, प्राइम नंबर याद होगा ना, ठीक है, जैसे 17 हो गया, 19 हो गया, ये को प्राइम है। दो प्राइम को लिख दोगे तो कंपलसरी है कि वो को प्राइम होंगे, कि अगर बीच में कोई भी प्राइम एक आ गया तो समझिए को प्राइम होगा। 17 का किसी नंबर के साथ ले लो, जिसका भी मर्जी कहे, किसी भी नंबर के साथ ले लो, लेकिन 34 नहीं लिख लेना है ना, तो ऐसा नहीं करना है। 34 लिख दोगे तो फिर डबल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होना है। दो सबसे अच्छा है कि उसकी शॉर्टकट यही है कि उसे दो प्राइम लिख दो एक साथ, वो को प्राइम ज़रूर हो जाएगा ना। और भी कंडीशन है उसकी, जो चाहो तो लिख लो, जैसे कि हमने कहा था कि 9 और 16 दोनों तो प्राइम को प्राइम नहीं है, लेकिन फिर भी ये दोनों को प्राइम है, रीजन है कि इनके बीच में कोई भी कॉमन मल्टीपल, कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा था। क्वेश्चन नंबर 8, अगला देखो कि राइट नंबर लेस देन 50 विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 एंड 12। देखो सेम सारे क्वेश्चन सिर्फ एक ही तरीके के हैं ना, बस कॉमन निकालो ये करो कभी, तो 8 का तुम्हें क्या करना है, टेबल लिख देना है कहाँ तक, 50 के अंदर तक, मतलब कि 48 तक लिखना है, बात समझ गए ना। सब मैं हिंट दे रहा हूँ कि बच्चे से उसको कर लेना है। इसके बाद 12, क्लास 6 में इतना कर ही सकते हो, 12 का है 12 24, इसके बाद 36, इसके बाद इसे आगे जाओगे, है ना। तो उसमें जो तुम्हें कॉमन मल्टीपल मिलता है उसको क्या करना है, सर्किल कर लेना है, ठीक है। मुझे पता है कि इसका जो कॉमन मल्टीपल है, यहाँ पर पहले 24 मिलेगा, है ना, तो 24 मिलेगा, फिर अगला 24 48 मिलेगा, 24 ही मिलेगा और 24 मिलेगा और 48 मिलेगा, बस ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये डन हो गया और ठीक है, बहुत अच्छा तुम लोग पढ़ रहे हो, अच्छा करते रहो।
ठीक है। और देखो सीरियल वाइज अब कुछ लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे 3.6 सर बता दीजिए। अब देखिए एक क्वेश्चन होता तो मैं बता देता, अच्छी बात है। अब ये है कि अब उसमें सारे क्वेश्चन अगर पूछोगे तो क्या करूँगा मैं। अभी तो अब धीरे धीरे 3.4 बना रहा हूँ, 3.5 बनाऊंगा। देखिए कल हो सकता है मैं बना दूंगा, मतलब कि जो आज मैं बना रहा हूँ मतलब नेक्स्ट में बना दूंगा, तो ये बन जाएगा। और इसके बाद फिर जो है 3.6 भी, इसके बाद मैं 3.5 और 3.6 डाल दूंगा, है ना। थोड़ा बनाने में अपलोड करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, स्क्रीन पर लिखने में पहले प्रॉब्लम होती है, इसके बाद फिर अपलोड करने में, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते रहो खूब अच्छे से पढ़ते रहो। और एडमिशन अगर नहीं हुआ देखो एडमिशन करा लो, ठीक है। इसके बाद बुक है बुक ले लो सारी कॉपी, क्योंकि अगर सब कुछ काम चलता रहेगा प्रॉपर तो सब कुछ काम चलता रहेगा, और नहीं तो फिर सारी दिक्कत भी आप लोगों की तरफ से दिक्कत आएगी, तो फिर स्कूल की तरफ से दिक्कत आएगी, फिर मुझे प्रॉब्लम होगी। तो इन सब सारी बातों को ध्यान में रखना है ना, मेरा मेहनत काम करना है, मैं मेहनत कर रहा हूँ इसलिए मेहनत का एफर्ट मिलना चाहिए। तो यही है कि सब अपना काम करते रहो प्रॉपर तरीके से, हो जाएगा, ठीक है। ओके थैंक्स।